आदमी जिसके पास हर सवाल का जवाब है. यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड ही विल परहैप्स एंड अप आंसरिंग इट. अस्सलाम वालेकुम जीरा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? बिल्कुल, मैं ठीक ठाक. तो मैं आप ही का इंट्रोडक्शन माशाल्लाह। करवा रहा था कि आपके पास ओवर 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, फ्रॉम बिजनेस टू पॉलिटिक्स टू सोशल वर्क टू. आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, यू आर अ वेरी लर्नेड मैन, मेरे मेंटोर भी हैं. आपने हमेशा, जब भी मैं अपने लोवेस्ट पे होता हूँ, तो आप सबकी जिंदगी में भी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, कोई ऐसा एक पिलर होना चाहिए जिसको आप फोन करें या आप उनसे बात करें और वो आपको बताएं, वो अपने लेंस से आपको एक्सप्लेन करें कि यार इससे आगे जहां और भी हैं, उठो और लड़ो. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था. मैं पूछना चाहता था कि देखिए, सब जी लॉकडाउन में है तो बड़ा डिप्रेशन है. अभी वो रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत ने, एक जो इंडियन एक्टर है, उसने खुदकुशी की. उसके पास ओवर 1 मिलियन फॉलोअर, 10 मिलियन फॉलोअर आई थिंक थे इंस्टाग्राम पे. तो ये मैंने भी देखा है कि जी, अमेरिका में जिन जिन पोस्ट कोड्स, सम ऑफ द रिचेस्ट पोस्ट कोड्स इन द वर्ल्ड जो हैं, लोग जिनको हम समझते हैं उनके पास सब कुछ है, वो अंदर से बड़े डिप्रेस होते हैं. हाईएस्ट सुसाइड रेट अमेरिका में उन्हीं पोस्ट कोड्स का है जो सबसे वेल ऑफ है, सबसे वेल्दी है. तो ये डिप्रेशन जो है, ये किस तरह आ जाता है और इसको किस तरह ओवरकम किया जाता है? देखें, जो डिप्रेशन का शिकार लोग हैं ना, वो आम लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। अच्छा जो जहीन और हसास अफराद होते हैं ना, जी, वो उसका शिकार होते हैं। आपने देखा होगा कि लोगों की अक्सरियत जो है ना, जो डिप्रेशन का शिकार होती है, बड़े समझदार, बड़े कामयाब, बड़े हसास, बहुत जहीन लोग होते हैं। बुनियादी तौर पे वो मुआशरे सॉरी, के अक्सर मैं आपकी कामयाब बात तरीन का, लोग होते हैं। अच्छा आप कह रहे हैं जी डिप्रेशन कामयाब लोगों को होता है, मुझे तो लगता है नाकाम लोगों को होता है, जो कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, कोई ना रिजल्ट आ रहा नहीं, है ना कुछ हो रहा है. देखें, अभी आपने मिसालें दी जिनकी, वो तो नाकाम लोग नहीं थे। बिल्कुल वो ठीक तो है, मादी माली माली फाइनेंशियली देवर वेरी साउंड, बिल्कुल उनकी जो है फेम की बुलंदियों पे थे। फॉलोइंग का आप बिल्कुल बता रहे हैं कि जी 1 करोड़ से ज्यादा अफराद उनके थे, तो बिल्कुल उन्हें उनके मुतलक तो नहीं आप कह सकते। बिल्कुल लेकिन ठीक है. मैं ये बात कर रहा हूं कि बुनियादी तौर पे जिन लोगों को ये फीलिंग होती, फीलिंग यही होती है। देखिए, डिप्रेशन एक नफसियाती बीमारी है, जिसका आगाज उदासी से होता है, और इस फीलिंग से अच्छा, होता है डिप्रेशन कि सैडनेस से होती है. सैडनेस, और उसकी बुनियाद जो है ना, जब एक फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर में मुसलसल एक मायूसी की कैफियत हो जाती है, आदमी स्टेटस को की पोजीशन महसूस करता है, एक जमूत का शिकार हो गया हूं, मैं कहीं बढ़ नहीं रहा। उसका हकीकत से कोई अच्छा तल्लक नहीं होता, लेकिन ये ठीक, तल्लक है उसकी फीलिंग का, उसके थॉट्स का, उसके बिहेवियर का, और उसका फिर काम करने को दिल नहीं चाहता। हर वक्त थकावट महसूस करता है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, यानी ये भी है ठीक. कि बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देता है या तो बिल्कुल आपको नींद उड़ लगता है जाती है। सैडनेस से डिप्रेशन निकलता है? तो इंसान, ये तो जो इतने इतने अमीर लोग हैं, जो इतने सेलिब्रिटी होते हैं, वो किस तरह उदास होते हैं? उनके पास तो मटेरियलिस्टिक तो हर चीज होती है, फेम, पावर, मनी, एवरीथिंग. इसमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ फरमाया करते थे अमनो अमान की और तवाजुन इत्तेदाल की अल्लाह ताला से। अच्छा जिंदगी जो है वो एक इत्तेदाल का नाम है, तवाजन का नाम है। मैं उसकी मिसाल इस तरह आपको दूंगा कि जिस तरह एक गाड़ी जो है उसके 4 पहिए हैं, किसी एक में हवा कम हो जाए तो जी गाड़ी बबलिंग करनी शुरू कर देती है। मामूली सी हवा का फर्क हो जाए ना, एक 3 टायरों में 30 है और एक में 20 हो जाए, तो वो बबलिंग शुरू कर देती है। इंसानी जिंदगी जो है, इंसान की जो शख्सियत है, इसके बुनियादी तौर पे 4 जरूरतें हैं, 4 पहलू हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। ये चारों पहलू जो है, आम तौर पे इंसान इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो इज्तमाही लाइफ है वो
जैसे इनफरादी लाइफ के चार पहलू हैं, इज्तमाई लाइफ का एक सोशल पहलू है, एक इकोनॉमिक पहलू है। हमारे यहाँ कामयाबी का तस्वुर यह समझा जाता है कि जो बंदा मुआशी तौर पर कामयाब है, जो अमीर है वो कामयाब है, जिसके पास पैसा है वो कामयाब है, हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म बन गया है, जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। और जितने लोगों ने खुदकशियां की हैं वो इस चीज की, उनकी खुदकशियां इस चीज का सबूत है कि ये एक मिथ है। आम तौर पे आप देखिए कि गरीब लोगों में खुदकशी का रुझान बहुत कम है, ना होने के बराबर। वो करते भी हैं तो भूख की वजह से करते हैं, मतलब बात यह है कि उनका जो मसला है वो डिप्रेशन नहीं होता, उनका मसला रिएक्शन होता है, किसी चीज पे रिएक्शन करके। डिप्रेशन एक ऐसी कैफियत है जो एक मुसलसल 24 घंटे आप पे तारी रहती है, कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, किसी चीज में मजा नहीं आता, जिनमें आप पहले ज्यादा बहुत इंजॉय करते थे उसमें मजा आना खत्म हो जाता है, हर वक्त एहसास गुनाह की कैफियत, जमूद की कैफियत, आपको लगता है कि मैं एक जगह रुक गया हूं, यकसुई खत्म हो जाती है, फोकस खत्म हो जाता है, जो मतलब ये है। और ये कैफियत आ जाती है कि आदमी समझता है कि मेरी जिंदगी तो बेसूद है, मुझे तो ठीक है, बात बताएं, क्या मुसलमानों को डिप्रेशन हो सकता है? बात ये है कि मुसलमान जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर अच्छा। तो मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है तो उसे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। और अगर वो सिर्फ कलमा गो है लेकिन वो ना कुरानी तालीमात के नजदीक जाता है ना सुन्नत के नजदीक जाता है, और वो सिर्फ एक, चूंकि वो मुसलमानों के घर पैदा हुआ है लेकिन वो अमली तौर पे किसी इस्लामी तालीमात पे अमल नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, पहला तकाजा किया है मुसलमान होने का कि 5 वक्त नमाज पढ़ी जाए, अच्छा, और उसके पास वक्त नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। तो जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, मतलब एक तो वो जब केमिकल जो इम्बैलेंसेस होते हैं, तो वो मुझे, मतलब मुझे बताइए ना आपके, अगर हम इस्लामिक फॉर इंस्टेंस एंगल से देखें तो बड़े बड़े ऐसे लोग भी हैं जो नमाज पढ़ते हैं और बड़े अच्छे मुसलमान होते हैं, लेकिन उनको भी, आपको नहीं लगता कि डिप्रेशन होता है कि ये क्या हो रहा है, उन पे सैडनेस नहीं हावी हो सकती? देखें, सैडनेस तो किसी भी, वो डिप्रेशन नहीं है, सैडनेस की जो कैफियत है वो किसी भी इंसान पे आ सकती, हर एक पे। दिन में 60,000 तक ख्यालात इंसान के जहन में आते हैं, और जिस तरह के ख्यालात चल रहे होते हैं उसी तरह की उसकी फीलिंग हो रही है, लेकिन वक्त ही होती है। अभी खुश, अभी जो है गम की कैफियत, अभी थोड़ा सा उसने अच्छा मंजर देखा वो खुश हो गया, लेकिन डिप्रेशन के मरीज की ये बात नहीं होती, वो उसकी कैफियत मुसलसल हो जाती है। और यानी डिप्रेशन का मरीज, डॉक्टर तो उसे कहते हैं जो कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हों उसे। अच्छा, डिप्रेशन का वो मरीज है जिसको 2 हफ्ते, ठीक, कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा उसकी कैफियत रहे तो फिर उसे डिप्रेशन का मरीज समझा जाता है। देखिए, बात यह है कि कुरान पाक की ना सूरत है अल नजम, उसकी आयत नंबर है 39 और 40-41, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अच्छा। और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी, फिर उसको उसका पूरा बदला दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, दुनिया में जो कुछ मिलता है वो कोशिश के नतीजे में मिलता है, ये रब्बे कायनात ने इस दुनिया का एक बुनियादी सबब पैदा कर दिया है। ठीक है, अंबिया कराम को भी कोशिश करनी पड़ी। मैं बिल्कुल कोशिश, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल जाएगा, तो उसमें कितनी कोशिश करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए, वो मतलब उस पे भी थोड़ा सी रोशनी डालिएगा कि ठीक है, आपको कोशिश से सिला मिलता है। जी जी जी, देखिए, एक किसान जो है, रब्बे कायनात का एक असूल ये है कि जो आपके जिम्मे है वो आपने करना है, उसके बाद उसका नतीजा जो है ना वो रब्बे कायनात ने देना है। अगर एक किसान जो है वो खेत में हल नहीं चलाता, वो खेत में बीज नहीं डालता, पानी नहीं देता,
फसलों की देखभाल नहीं करता और फिर ये कहे कि जी मेरा तो नसीब ही ऐसा था, तो ये तो सवाय हम कुछ नहीं है। नसीब ये है कि जो आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको आप इस्तेमाल करें। आप जिस भी शोबे में हैं, अगर आप किसान हैं तो आपका फर्ज है कि आप जमीन में हल चलाएं, उसकी सफाई सुथराई करें, उसमें बीज बोएं, उसमें उसकी निगहदाश्त करें, पानी डालें, उसकी देखभाल करें, उसके बाद फिर नसीब शुरू होता है। ये नहीं हो सकता कि आप बासियत किसान घर में बैठे रहें और ये तवक्को करें कि अल्लाह ताला फरिश्ते भेजेगा, वो उसमें हल चलाएंगे, वो उसमें। ये तो अंबिया के साथ भी नहीं हुआ। अंबिया को भी जब दुनिया में भेजा गया तो उन्होंने, अब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल की जिदोजहद के बाद जो है ना एक अजीमुशान कामयाबी मिली। 13 साल की तबलीग के नतीजे में 100 के करीब मुसलमान हुए थे और बाद में 10 साल में वो जो 100 बंदा है वो लाख में तब्दील हो गई, 1 लाख से ज्यादा में तब्दील हो गई, कोई मल्टीपल। लेकिन एफर्ट है। जंगे बदर में 313 थे लेकिन वो उनका जो काम था वो उन्होंने किया, वो मैदान अमल में आए, वहां पे जो उनके बस में किया जो उनके पास था, बाकी खुदा की मदद थी। तो कोशिश मतलब ये कहना गलत है कि जी जो हमारे नसीब में होगा मिल जाएगा, हम बैठे हैं, ये ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है। नसीब ही ये है कि कोशिश करोगे तो। मैंने अभी आपको कुरान पाक की आयत में दोबारा दोहराता हूं, सूरह अल नजम आयत नंबर 39, 40, 41, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी और फिर उसको पूरा बदला दिया जाएगा। ये है नसीब। रब्बे कायना ने एक प्रिंसिपल बना दिया कि भाई जो तुम्हें मैंने सलाहियत दी है उसके मुताबिक तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारी कोशिश देखूंगा और फिर उसके मुताबिक तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। ठीक है ना जी। तो ये एक मैं समझता हूं कि अजल से ना जो नाफरमान इंसान है ना उनका यही वतीरा रहा। कुफार की सबसे बड़ी दलील यही होती थी कि जी रब अगर चाहता है मुसलमान करना तो हमें वो खुद कर ले, आपको क्यों, आप क्यों हमें कह रहे हैं। और रब जो है वो चाहता है, अगर वो हमें तो उसने बहुत माल दिया हुआ, आपको माल नहीं दिया। ये आप कहते हैं जी गरीबों की मदद करो, हम क्यों करें, रब नहीं चाहता इनको देना तो हम क्यों दें। मेरी बात में है ना इस पे आ जाती है बात कंपैरिजन की। मेरे हिसाब से कि जो डिप्रेशन आजकल एंजाइटी होती है ये कंपैरिजन करने से भी होती है कि यार देखें वो इनके पास क्या है हमारे पास नहीं है। तो जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को तो वो भी एक मेरे उस पे हम अपने आप को किस तरह समझाएं कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देखें उसमें हमारा जो बासियत मुसलमान हमें जो हदायत दी गई है कि हसद हमारे नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। हसद अच्छा। ये है कि किसी को देख के तकलीफ महसूस करना, यार इसके पास है मेरे पास नहीं, और ये बड़ी नेचुरल फीलिंग है। मतलब ये अल्लाह ने नहीं हमारे अंदर डाली। नहीं देखिए अल्लाह ने कोई बुरी चीज नहीं डाली। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकत बनाया है और उसको ये तमीज दी है कि वो अच्छा और बुरा महसूस कर सके। उसका प्रिंसिपल ये है कि देखिए बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि जो चीज आपको अपने बारे में अच्छी महसूस होती है वो दूसरे के बारे में भी अच्छी महसूस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कामयाब हैं और कोई बंदा आपसे हसद करे तो आपको कैसा लगे? बिल्कुल बुरा लगे। अच्छा अब दूसरा जज्बा है रश का, इसको जरा आसान कहें कि यार तुमने इसको जज्बा रश का। देखिए फर्क हसद ये है कि दूसरे को देखकर ये जज्बा पैदा होना कि यार ये इस काबिल तो नहीं है, इसे मिल गया, मैं तो इससे ज्यादा काबिल हूं, मुझे नहीं मिला। और मैं आजकल इमरान खान के बारे में लोग यही कहते हैं ना कि ये देखें इसको कुछ नहीं था और इसको मिल गई, तो ये है हसद।
अगर एग्जाम्पल साथ देनी जाए। अच्छा मैं समझता हूं कि वो हसद तो हर बंदे की होती है। अच्छा हसद में और रश्क में फर्क ये है कि रश्क एक पॉजिटिव जज्बा है कि अच्छा बंदा दुआ करता है, या अल्लाह तूने इसे कामयाबी दी, मुझे भी रास्ता दिखा, मुझे भी कामयाबी दी। और ठीक है। जो हसद है उसका ये होता है कि मेरा भावे कख ना रहे ए जरूर जलील हो जाए। इसका बड़ा एक मशहूर लतीफा है कि एक शख्स को अलादीन का एक चिराग मिल गया, तो वो उसने जब उसे रगड़ा तो जिन हाजिर हो गया और उसने उसे कहा कि भाई देखो ये एक्सपायर होने वाला है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 3 सवाल आप मुझसे कर सकते हैं, बस यही है, उसके बाद ये खत्म। लेकिन ये बात समझ लो कि जो तुम मांगोगे तुम्हारे हमसाये को उससे डबल मिलेगा। अच्छा उसने कहा मेरे लिए एक बेहतरीन बंगला जो है ना 10 कनाल का बनाओ। वो उसने जनाब ऐसे इशारा किया और वो बंगला बन गया, और जब लेफ्ट हैंड देखा तो हमसाये का 20 कनाल का बन गया, क्योंकि ठीक उसने कहा था जो तुम्हें मिलेगा वो। उसने कहा कि यार मुझे बेहतरीन किस्म की एक गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। वो उसने देखा उसी वक्त वो हाजिर हो गई और हमसाये की दुआ आ गई। है। उसने कहा बोलो जल्दी से तीसरी। उसने कहा मेरी एक आंख निकाल दो। अच्छा तो इंसान जो है ना वो इस हद तक हासिद है कि वो कहता है यार मेरी एक आंख निकाल लो ताकि हमसाये की दोनों निकल जाए। तो इस पे देखे ना, ये अब हर बंदा अपनी तरफ से मेहनत करता है, और कभी कभार उसे महसूस होता है कि यार मेरी मेहनत का सिला अभी नहीं मिल रहा, लेकिन लोग जो कम मेहनत कर रही है वो उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये एक बड़ी नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, मतलब इधर हम ये नहीं, फेक नहीं होंगे कि जी नहीं होता, अक्सर होता है। उसको किस तरह अपने माइंडसेट को उसमें किस तरह लोगों को चेंज करना चाहिए? देखिए ये बुनियादी तौर पे ये जो टॉपिक है ये काफी तफसीली टॉपिक है। मैं एक बुनियादी बात अर्ज कर दूं कि जो बंदा अपना स्वार्ट एनालिसिस करता है कि मेरी स्वार्ट एनालिसिस क्या है, कि एक इंटरनल है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या, जी और बैरूनी एक्सटर्नल थ्रेट क्या है कि सोसाइटी में जहां मैं काम कर रहा हूं, जिस फॉर एग्जाम्पल मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो वहां मेरे कंपिटेटर कौन है, उनकी उनसे मुझे क्या थ्रेट है, और जो है वहां से मुझे एक दुनिया में, मैं अब छोटी सी मिसाल देता हूं कि किसी फील्ड में आप चले जाएं, दुनिया के जितने कामयाब इंसान हैं अगर उनको आप सिर्फ उनका गहराई से मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि रब्बे कायनात का ये असूल उस हर जगह नजर आएगा कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और उसकी कोशिश देखी जाती है और उसके मुताबिक उसे पूरा पूरा बदला दिया जाता है। अब इसमें पहला जो बुनियाद है ना कामयाबी की, वो है कि आपकी डायरेक्शन सही हो। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल एक शख्स है, उसने इस्लामाबाद जाना है और उसका जीपीएस खराब हो गया और उसने रुख कर लिया कराची की तरफ। अब उसने 10 घंटे का सफर कर लिया, इस्लामाबाद फिर नहीं आया, पता किया है तो पता चला जी कि इस्लामाबाद पहले तो 5 घंटे का था, 15 घंटे का रास्ता हो गया जहां जाके उसने मालूम। ये क्या थी कि उसकी डायरेक्शन सही नहीं थी, मेहनत तो उसने डबल कर दी, तो सर एक पांच सेकंड, घंटे में इस्लामाबाद पहुंचना। मैं समझ, तो डायरेक्शन आप बताएंगे, अब ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम डायरेक्शन किस तरह चूज करें? आजकल डायरेक्शन से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। हर के 5 मिनट के बाद मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, व्हाट्सएप आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, स्नैपचैट आ जाता है, ट्विटर आ जाता है। तो डायरेक्शन के लिए मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन भी कम करनी चाहिए। वो किस तरह, वो बंदा फोकस से किस तरह काम करे? देखें अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी शख्सियत की तमीर पे तवज्जो दे देंगे और उसमें प्रायोरिटीज मुकर्रर कर लेंगे तो ये इतना आसान है, जिंदगी बहुत आसान है अगर उसको जिंदगी को जिंदगी के तरीके से जिया जाए।
रब्बे कायनात कहते हैं कि मैंने रात तुम्हारे आराम के लिए बनाई, दिन मैंने तुम्हारे काम के लिए बनाई। अच्छा। अब ये खाल के कायनात ने हमें बता दिया कि पहला असूल तो ये है कि रात को नींद लो, आराम करो। अब जदीद साइंस साइंटिफिक सारे फैक्ट्स मौजूद हैं कि रात की नींद के क्या क्या फायदे हैं, किस तरह कितने जिस्म की मेंटेनेंस है जो दिन में होती नहीं है। जो बंदे दिन में नींद लेते हैं उनको वो कभी भी उनके जिस्म की वो मेंटेनेंस नहीं हो सकती जो रात को। मैं सादा सी बात कहता हूं कि अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी दें अपनी फिजिकल फिटनेस को। अच्छा जी। और उसकी जो उसका जो आगाज है वो आपने नींद से करना है कि आपने कम से कम 7-8 घंटे नींद लेनी है और वो रात के वक्त लेनी है। कोशिश ये करें कि रात को जितनी जल्दी सो सकें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो उस्वा था कि वो इशा के बाद सो जाते थे। आप जो है थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करें। ये देखें ये मैटर ऑफ हैबिट्स है। जिस तरह मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं आपको बताऊं आजकल की यूथ ये रात को जल्दी सोने वालों में से नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी टॉपिक ये इंटरेस्ट का नहीं है ना ये पिकअप होना है। ये रात तो सारी स्नैपचैट वगैरह पे गुजरती है, इंस्टाग्राम पे। लेकिन आपका पॉइंट ठीक है, हम आपके पास टाइम कम है इसलिए कुछ कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, मैं चाहता हूं कि वो उस पे भी हम थोड़ी सी रोशनी डाल दे। वो कहते हैं कि जी लोग एक सवाल आया कि जी हम शाइनेस अपनी किस तरह दूर करें। अब हम अक्सर शाइनेस मतलब है कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लोगों के बीच में बोला नहीं जाता, और ये शाइनेस का कोई इलाज है कि हम कॉन्फिडेंस अपना किस तरह इसका बिल्कुर? बड़ा सा सादा इलाज आपका अपना शीशा है। अच्छा। आईना मिरर। आप जिस वक्त बाथरूम में शेव कर रहे हैं आप वहां पे बातें करें, जब आप आईने के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो वो उसी तरह है जिस तरीके से आप एक पब्लिक मीटिंग में कर रहे हैं। यहाँ पे सॉरी मैं ऐड कर दूं कि मोमिन की जो डिबेटिंग स्किल्स थी वो मोमिन इनके अंदर ट्रेन हुआ हुआ है। इन्होंने मोमिन की भी बचपन में इसी तरह ट्रेनिंग कराई थी, उसको बताया था कि वो आईने के आगे खड़े होके बोले। सॉरी प्लीज आप कैरी ऑन करिएगा। तो ये आपकी जो है ना प्रैक्टिस जो है ना आईने के सामने, ये चंद ही दिनों में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर देगी कि फिर आप निजी महफल में या इवन पब्लिक मीटिंग में बात करते हुए आपको कोई घबराहट नहीं होगी। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये कोई गैर मामूली चीज नहीं है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े स्पीकर्स को ये प्रॉब्लम रही है। इवन इब्राहिम लिंकन जैसा शख्स जो अपने वक्त का बहुत बड़ा डिबेटर था, जब वो जिंदगी की आखिरी तकरीर भी कर रहा था तो पहले चंद लम्हे उसे घबराहट होती थी। बिल्कुल, मुझे अभी तक होती है। बिल्कुल, ये बड़ा नेचुरल है, कोई गैर फितरी चीज नहीं है। बिल्कुल, गैर फितरी चीज नहीं है। सिर्फ है कि आप खौफ का इलाज ये है कि जिस चीज से खौफ है उसे कर गुजरे। खौफ का इलाज बता दें, जिंदगी में खौफ किस तरह निकालना है? खौफ का इलाज जिस चीज से खौफ है ना आपको वो कर गुजरे। तो खौफ एक लम्हे की बात होती है। जिस मेरा मतलब जो जिस चीज से भी खौफ है ना, आपको बात करने से खौफ होता है, आप बात करें। आपको लोगों की तनकीद का खौफ है, आप बात करें, उस तनकीद को सहें। चंद ही दिनों बाद देखिए, जब बंदा पहली दफा साइकिल चलाता है तो कितना खौफ होता है, बाइक चलाने का कितना खौफ होता है, इवन गाड़ी चलाने का कितना खौफ होता है। लेकिन वो खौफ कैसे आप दूर करते हैं? आप कर गुजरते चला के, आप तैराकी के लिए जब पानी में पहली दफा छलांग लगाते हैं तो खौफ आता है, लेकिन बाद में आप उसे एंजॉय करते हैं। तो खौफ नाम की कोई चीज नहीं। खौफ बेसिकली जो है ना इन एक्शन का नाम है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जी जारा पूछ रही है कि अंकल प्लीज बताएं कि ओवर थिंकिंग बंदे की किस तरह, अपनी ओवर थिंकिंग किस तरह दिमाग की कम कर सकता है। और ये फातिमा पूछ रही है एंजाइटी का भी प्लीज कुछ बताएं, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी किस तरह बंदा अपने दिमाग से को कंट्रोल करे। वो देखें असल चीज है
खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। जब आपके सामने कोई मकसद नहीं है ना, ये सारी जो है ना फुर्सत की बातें हैं, अच्छा, ओवर थिंकिंग वगैरह। हमारे मिसल मौजूद है कि बेकार आदमी जो होता है, वेला बंदा, उसकी जो उसका दिमाग जो है वो शैतान की अमाजगा होता है। हर इंसान, एक अनपढ़ आदमी के जेहन में भी डेली 60,000 ख्याल आते हैं। अच्छा, और जिस वक्त जिस किस्म के ख्याल आ रहे होते हैं, उसी तरह की आपके अंदर फीलिंग पैदा हो रही है। आप जो है जिस वक्त आपको मतलब ओवर थिंकिंग का सादा सी बात है, कागज पेंसिल लें, जो आपको ख्याल आ रहा लिखना शुरू कर दें, ठीक है, देखें उसी वक्त वो खत्म हो जाएगी। एक तो बड़ा सादा सा है। दूसरा ये है कि आप जर्नलिंग की आदत डालें डेली ना। आप शाम को जिस तरह आपने पूरा दिन गुजारा है ना, उसको लिखें, चाहे डायरी की सूरत में या अपनी कैफियत लिखें कि आज मैंने कैसा फील किया। कोई अच्छा काम किया है उसे नोट करें कि आज मैंने फलां अच्छा काम किया और मेरी ये फीलिंग। कोई गलत काम किया है वो नोट करें। एक अकाउंटेबिलिटी का तसव्वुर पैदा करें। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मैंने अर्ज किया कि चूंकि जवानी में इंसान के अंदर एनर्जी लेवल बहुत होता है, उस एनर्जी को राह चाहिए होती है, और जब वो नहीं करती, अच्छा थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग या आप माजी में जा रहे होते हैं या मुस्तकबिल में जा रहे होते हैं। जो चीज है वो इलामा साहब कहते हैं, किसी ने दोष देखा है ना फर्दा, फकत इमरोज है तेरा जमाना। भाई दुनिया में हकीकत एक है, हकीकत है आज, ना गुजरा हुआ कल कोई हकीकत है ना आने वाला कल कोई हकीकत है। जिसमें जिस जो चीज आपको की जिंदगी बदल सकती है वो है आपका एक्शन। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आपने जो कुछ करना है वो करेंगे तो नतीजा निकलेगा। एक स्टूडेंट जो है वो अगर टाइम टेबल के मुताबिक नहीं पढ़ता, वो जितना मर्जी से इनो फतीन हो, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन दवाई भी उस वक्त तक आपको फायदा नहीं दे सकती जब तक आप उसे इस्तेमाल ना करें। जी। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, मैं तो इस बिलीव बात पे बिलीव करता हूं कि अगर एक आदमी बगैर सोचे समझे भी एक्शन लेता रहे तो वो कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएगा। और एक बंदा दुनिया का वो अरिस्टोटल भी हो और वो एक्शन ना ले तो उसके नसीब में सिवाय नाकामी के कुछ। बिल्कुल। और ये जर्नलिंग वाली बात आपने बड़ी जबरदस्त की है। आपको पता है जितने भी ग्रीक फिलोसोफर्स रहे हैं, मार्कस अरेलियस, एरिस्टोटल, ये सब जर्नल करते थे और अपने दिन का एहतसाब करते थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे के इस दिन में मैंने अचीव क्या किया। आज भी यही कैफियत है, दुनिया का हर बड़ा बंदा जर्नलिंग करता है। तो रोज आपके हिसाब से अपने हर दिन का एहतसाब करना चाहिए कि आज के दिन आपने जो जिंदगी का यूज कर लिया उसमें क्या अचीव किया, आपने कितना टाइम अपना सोशल मीडिया पे जाया किया, क्या नया सीखा या क्या नया नहीं सीखा। एक और सवाल आ रहा है कि पेशेंस किस तरह इंक्रीज किया जाए, अपना पेशेंस, कि आपको गुस्सा ना जल्दी आए और आप उसको किस तरह किया जाए पेशेंस। मैं जैसे अर्ज किया कि अगर आपके सामने कोई मकसद हो ना, बेमकसद ये थी ये सारे नेगेटिव जज्बात पैदा करती। अगर आपकी जिंदगी का मकसद हो, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे किसी की वालदा बीमार है और उसकी तबीयत खराब है और वो दवाई लेने जा रहा है, तो उस वक्त 10 उसके दोस्त भी रोके तो वो नहीं रुकेगा, कहेगा यार आई एम सॉरी, मैं जरा जल्दी में हूं। अच्छा, जिसकी सामने को मकसद होता है ना, उसके पास लायानी बातों का, फजूल बातों का वक्त ही नहीं रहता। मकसद आपके अंदर फोकस पैदा करता है, यकसुई पैदा करता है, मकसद आपका एनर्जी लेवल 10 times बढ़ा देता है। आप कभी गौर करते हैं कि जब एग्जाम आते हैं तो उस वक्त क्या वजह है कि आप इतने फोकस हो जाते हैं? समझ आ गई, मकसद किस तरह ढूंढना है, लोग ये पूछ रहे हैं, अपना मकसद किस तरह ढूंढे। अब हर किसी को मकसद कोई दराज के अंदर तो पड़ा नहीं होता, जाके खोला और अंदर से मकसद निकाल लिया।
तो मकसद भी अपने आप से किस तरह पता चलेगा कि जिंदगी में क्या करना है, वो किस तरह पता चलेगा? उसके लिए मैं आगाज में बात कही थी कि सबसे पहले आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आपको कौन से काम ऐसे हैं जो आप शौक से करते हैं। आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, ठीक है, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। कामयाबी का जो नुक्ता आगाज है वो है अपने सलाहियतों का शऊर कि मेरे अंदर ये खूबियां एक खामियां। एक क्रिकेट के मैदान में अगर किसी ने जाना है तो उसे ये एहसास हो जाता है, आप देखिए कि मैं बॉलर बेहतरीन हूं, मैं बैट्समैन बेहतरीन हूं, मैं विकेट कीपर बेहतरीन हूं। और जब वो जाता है तो वो अपनी उस टैलेंट पे फोकस करता है। कभी कोई बॉलर, जो बेहतरीन बॉलर है, जब वो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके जहन में कभी नहीं आता कि मैं यार बॉलिंग को छोड़ूं और बैट्समैन बन जाऊं। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पे आपको काम करना है। जब आप इसका, मैं समझता हूं कि किसी दिन हम रख लेते हैं, सिर्फ इस पे एक हम जो है बात करेंगे कि मकसद को तलाश कैसे करना है। ये थोड़ी सी ठीक है, जो है तफसील का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हम इसको कर लेंगे। मकसद आपके सिवा कोई नहीं तलाश कर सकता। एक और बंदा पूछ रहा है कि जी मुझे प्यार में मैं पागल हो गया हूं, किसी के उसी की यादों में रहता हूं, मैं अपने आप को क्या किस तरह इससे बाहर निकलूं? ये प्यार व्यार कुछ होता है या ये हमारे जहन में ही है? ये एक फितरी जज्बा है। इंसान जो है ये इंसानियत का एक ऐसा जज्बा है जो कि आज हमारी तारीख में आप सस्सी, हीर, रांझा और ये सारी चीजें आप कैसे रोमियो जूलियट कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया के हर कल्चर में आपको मिलेगा ये, ठीक है, कबीर सिंह। और ये कोई नेगेटिव जज्बा नहीं है। अच्छा, ये पॉजिटिव जज्बा है। और जिन लोगों ने इस पॉजिटिव जज्बे को इस्तेमाल किया उन्होंने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कामयाब जो है प्रोजेक्ट किए और दुनिया में बड़ी अजीमशान कामयाबियां इश्क में नाकाम होने के बावजूद हासिल की। ये तो आप कह रहे हैं कि इश्क एक अच्छी चीज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चीज नहीं है, ये पॉजिटिव चीज है। और इश्क में नाकाम होने के बाद आपको लगता है कि बड़े बड़े काम हो सकते हैं? कामयाबी और नाकामी दोनों सूरत में। दुनिया अच्छा। में कहा यह जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। बिल्कुल ठीक है ना जी। अब वो क्या है? और औरत जो है एक जज्बे का नाम है, लव का, प्यार का, एहसास का। और वो औरत जिस तरह एक औरत मोटिवेट कर सकती है मर्द को, शायद दुनिया में उससे ज्यादा मोटिवेशन पावर किसी और चीज में नहीं। तो ये बिल्कुल उर्तुगल में भी इसी तरह हुआ ना, उर्तुगल में भी तो हलीमा थी जिसकी वजह से उसको कितनी मोटिवेशन मिली, ये लोग नीचे लिख रहे हैं। तो ये तो जिंदगी आप हर जगह देख लें कि ये जो हमारे फैमिली यूनिट हैं ये इसी तरह बनते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जो है एक लिमिट्स हैं, हमारी अपनी इकदार हैं, अपनी रवायत हैं। और उसमें जो है अभी आपने मिसाल दी अर्तुगरल की, तो आप देखें कि वहां किसी जगह वो उन्होंने कहीं भी हदूदे इलाही को नहीं तोड़ा, इखलाकी तौर पे किसी किस्म की कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं की। उन्होंने एक उनका प्यार डेवलप हुआ, एहसास एक दूसरे को मुंतकिल हुए, और उसके बाद उन्होंने मुआशरे के खिलाफ जंग नहीं की। मुआशरे को जो है उनके सामने झुकना पड़ा। ये जो बड़ा आपने एंगल दिया है कि उनके प्यार के आगे मुआशरे को झुकना पड़ा, ठीक है। और हमेशा ऐसा होता है, देखिए हर घर में ये होता है कि अगर बेटा अड़ जाता है ना मां बाप से, तो मां बाप अपनी जो 20 साल पहले की कमिटमेंट की हुई है उसे भी तोड़ देते हैं, बशर्ते कि उन्हें ये पता हो कि ये जो है इसका जो जज्बा है वो सादक है। दुनिया में जो ताकतवर तरीन जज्बे हैं ना जी, उनमें एक जज्बा मोहब्बत है।
और ये अच्छा एक ऐसा रास्ता है जो आपको ना सिर्फ दुनियावी कामयाबी की तरफ लेके जाता है बल्कि ये आपको अल्लाह के भी नजदीक कर देता है। वो किस तरह जी? ये ऐसा खूबसूरत जज्बा। देखिए जितने अगर आप बुनियादी तौर पे देखें ना तो ये जिन्होंने मतलब हीर रांझा लिखी, सस्सी कुन्नू लिखी, ये सारे दरवेश लोग थे। ये इसके अच्छा। जरिए वो अल्लाह तक पहुंचे। हीर रांझा के थ्रू अल्लाह के वारिशाह जो है ये बहुत बड़े वली अल्लाह थे। ठीक है, लेकिन इसके थ्रू जी। देखिए मोहब्बत का जो जज्बा है ना, मैंने जैसे अर्ज किया है कि वो उसका जो एक रब की तरफ जाने का जो रास्ता है वो इश्क का रास्ता है। ठीक है। अभी आजकल ना एक बड़ा खूबसूरत ड्रामा तुर्की का चल रहा है, यूसुफ एमरे, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें भी एक पूरा इर्तका है किस तरीके से एक शख्स जो मादी तौर पे इंतहाई कामयाब है वो रूहानियत का सफर कैसे तय करता है। इसको जरा आप आराम से सिंपल इंग्लिश में बताइएगा जरा फिर से, ये थोड़े से मोटे हो गए लफ्ज। ये जो जो एक इश्क एक ऐसी कैफियत का नाम है, दुनिया के तमाम बड़े इंसानों की जिंदगी एक मजनूआना जिंदगी होती है, दुनिया उनके ऊपर एक कैफियत है। तमाम बड़े इंसान जो हैं, जी जी, हर बड़ा इंसान जो है उसकी जिंदगी मजनूआना जिंदगी, उसको अपनी उसे अपने मकसद से इश्क होता है। ठीक है, अब ये फर्क है, उसे अपने मकसद से इश्क होता है, उसने अपने ऊपर एक कैफियत तारी की होती है और वो हर लम्हा उसकी नस नस में, उसके ख्यालों में, उसकी फीलिंग्स में, हर जगह आपको एक ही चीज नजर आती है, वो उसका मकसद। ये इश्क जो तो है, अगर लड़की अगर एक औरत को मकसद, वो कोई पूछे अगर एक औरत को मकसद बनाया जाए तो क्या वो भी ठीक है या वो भी गलत है? देखें, औरत को भी आप मकसद बनाएंगे तो वो मकसद आपको बड़े मकसद की तरफ बिलाखिर ले जाएगा। ये एक ऐसा जज्बा, वो किस तरह ये मैंने अर्ज किया कि ये पॉजिटिव जज्बा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर उस औरत को हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं तो उसकी मोहब्बत की खातर आप जिंदगी के दीगर शोबों में भी कामयाब होना चाहिए, उसकी मोहब्बत आपको मजबूर कर दे। उस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली आपकी औलाद की मोहब्बत आपको मजबूर कर दे कि आप जिंदगी के दीगर मकासद में कामयाबियां हासिल करें। ठीक है, तो ये एक परमानेंट कैफियत है। और मैंने अर्ज किया ना कि ये चूंकि हम ऐसे सरसरी दो दो चार चार, ये हर एक टॉपिक जो है ये एक मुकम्मल यकसुई से वक्त मांगता है कि हम एक टॉपिक जिस पे बात करें उसमें कम से कम जो है हम आधा घंटा कम से कम उसमें बात कर सकें। लेकिन मुझे लगता है एक इसको हम अगर रैप अप करेंगे, मुझे पता है आपने जाना है, लेकिन आपने जो अभी हाईलाइट कर दी है ना बात, वो ये है कि जी मोहब्बत आप कहते हैं एक बड़ी अच्छी चीज है, और या मोहब्बत कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों तरफ में इंसान की प्रोग्रेशन हो सकती है। मैंने जो जिंदगी में इश्क में नाकाम हुए अक्सर उन्होंने इंसानियत के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट किया, अक्सर वो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, दुनिया की हर फील्ड में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि वो इश्क में नाकाम होने के बाद इतना फोकस हुए कि उन्होंने उसमें एक जो है नाकाबले यकीन कारनामे सर अंजाम दिए। हम इस पे एक सेशन करेंगे, इस पे आपने कुछ एग्जांपल्स निकालनी उन लोगों की जो इश्क में नाकाम हुए और उन्होंने बड़े काम किए, क्योंकि इधर तो हमें ऐसी एग्जांपल्स देखने को नहीं मिलती। नहीं है, इसमें नहीं है, वो जो यूरोप में भी और यहाँ भी है। देखिए, अच्छा। जो सेल्फ हेल्प बुक में ना एक जो एंड्रो कार्नेगी के शागिर्द थे नेपोलियन हिल जी, तो नेपोलियन हिल ने ना द वो जो है अपना थिंक एंड ग्रो रिच, जी जी, थिंक एंड ग्रो रिच में ना पूरा एक टॉपिक बनाया है जो उसने दुनिया के कामयाब इंसानों का जिक्र किया है ना,
उसमें ये तो मोहब्बत के साथ जज्बा जिंस को भी उसने शामिल किया। इसको जरा सॉफ्ट इंग्लिश में बताइएगा, अगेन हैवी होगी। यानी सेक्स को भी, उसने सेक्स को भी एक बहुत बड़ा फैक्टर करार दिया कामयाबी। अच्छा, ये थिंक एंड ग्रो रिच, किसी वक्त हम उसी को बुनियाद बना के ना, क्योंकि उस बंदे का कमाल ये है कि उसने अपनी जिंदगी के 25 साल इस रिसर्च पे खर्च किए कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी जो कामयाबी में वो कौन सी मुश्तरका चीजें हैं जो सब में थी। फॉर एग्जांपल, अगर 500 वो दुनिया के कामयाब इंसानों को मिला तो उसमें उसने 13 ऐसी लिस्ट बनाई, 13 चीजों की जो उन सब में मौजूद थी, और उनमें ये दो जज्बे मौजूद हैं, एक जज्बा इश्क और एक जज्बा जिंस। बिल्कुल ठीक, 13 में से इस पे हम अंदाजा लगा लें। इस पे हम किसी दिन डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। बड़े बड़े लोगों ने कह रहे हैं इसको सेव करें और बड़ा एंजॉय किया, इट वाज वेरी हेल्पफुल, वेरी इंसाइटफुल, मुझे तो बड़ा मजा आया। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर से ये सेशन करेंगे जल्दी। बस आप इसे सेव करके तो इसकी जो है ना डाउनलोड करके मुझे भी भेजें। चलें, मैं आपको भेजता हूँ जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आपका, आप निकल जाए इसमें से, आपको निकलना आता है जी? ठीक, एग्जिट कर दें। मैं आपको खुद ही एग्जिट कर देता। हाँ जी सर, आप लोगों को मजा आया या नहीं आया ये सेशन, ये सेशन सुन के मजा आया या नहीं आया? मुझे तो बड़ा मजा आया सुन के। अभी और कोई आना चाहता है ऑनलाइन तो हम जल्दी से ले लेते हैं, उसके बाद हम जो है आगे चलते हैं। मुझे तो बड़ा मजा आया, अंकल ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। आई होप के हम सबको उससे बड़ा सीखने को मिला। सलवा तुम जरा हंसना बंद कर दो तो बेहतर होगा जी। ये कोई ऑनलाइन रिक्वेस्ट आई हुई है, लेट मी टेक। शिल्पा वाला, हेलो हेलो, हाय हाय, हेलो, हाय, क्या हाल है आपका? वेयर आर यू फ्रॉम? हाय, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चंडीगढ़ का पता है। कैसा लगा आपको ये, कुछ सीखने समझने को, कुछ नया लर्न करने को मिला? It was very interesting. बहुत अच्छा था। I really enjoyed all your live sessions. और आप बहुत देर बाद आए हो तो I was thinking कि it would be exciting. और सच में it was very exciting. नहीं नहीं, आपको क्या, you should क्या, come, क्या live आपको more सीखने often. को मिला? What was that one thing? सीखने को मिला कि one should have goals in life and positive goals in life and you should know yourself, your motive, क्या है आप life में क्या करना चाहते हैं। Hello, 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 hello. इनके internet में थोड़ा सा problem आ रहा है। हाँ जी, अब ठीक है, अब now you are back. तो जिंदगी में goals और life, और ये life में goals डायरेक्शन किस तरह मिलनी चाहिए, किस तरह ढूंढेंगे, क्या आपको समझ लगी? हेलो, चलें आप वर्क करके फिर बताइएगा आप कहां तक पहुंची हैं। एंड वी आई प्लान टू डू मोर ऑफ दीज सेशंस, और इसी तरह के हम कुछ टॉपिक पे बात किया करेंगे। अभी अभी समझ लगी है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नाइस टॉकिंग टू यू एज वेल, बाय। अच्छा जी, शो अस इंडिया टू, इट इज टू लेट। अच्छा जी, एक और आखिरी बंदी हम ले लेते हैं लाइव, जो भी पहला नाम आ रहा है, एंड देन आई थिंक वी विल कॉल इट अ डे। एक सेकंड जी, कोई और आना चाहता है लाइव? व्यू, अच्छा जी, लेट्स डू दिस। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी अंकल की बातें, जो जो अंकल ने बात की
स्पेशली इश्क वाली जो उन्होंने बात की कि लव आप में बड़ी ताकत डाल देता है. हेलो हेलो यार, ये सब मुझे समझ नहीं लगती, ऊपर करके बात करते हैं. हेलो, अच्छा इन्होंने नहीं बोलना तो रहने. बट आई थिंक आई लाइक टू सम दिस अप बाय सेइंग के सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, वो उन्होंने कहा कि जी प्यार कामयाब हो या ना हो, दोनों में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रोथ. उन्होंने कहा जी दुनिया के जो some of the people who've had the biggest impact, they were actually heartbroken. तो वो आप पे है कि आप अपनी negative energy किस तरह use करना चाहते हैं, आप अपनी pain में purpose डाल के कुछ कुछ बड़ा करें, कुछ अपने से बड़ा करें. जो प्यार आप कहीं और डाल देते हैं, वहां से जितनी pain मिली उसको direction दे दें, उसको focus दे दें, और फिर आप एक missile बन जाएंगे, missile. तो अगली दफा हम इससे भी आगे चलेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बट अब के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर. मेरे दौर रहे हैं वो आदमी जिसके पास हर सवाल का जवाब है. यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड ही विल परहैप्स एंड अप आंसरिंग इट. अस्सलाम वालेकुम ज़ीना, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल मैं ठीक ठाक. तो मैं आप ही का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ. मेरे दौर रहे हैं वो आदमी जिसके पास हर सवाल का जवाब है. यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड ही विल परहैप्स एंड अप आंसरिंग इट. अस्सलाम वालेकुम ज़ीना, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल मैं ठीक ठाक. तो मैं आप ही का इंट्रोडक्शन करवा रहा था कि आपके पास ओवर 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, फ्रॉम बिजनेस टू पॉलिटिक्स टू सोशल वर्क टू, आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, यू आर अ वेरी लर्नड मैन, मेरे मेंटोर भी हैं. आपने हमेशा, जब भी मैं अपने लोवेस्ट पे होता हूँ, तो आप सबकी जिंदगी में भी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, कोई ऐसा एक पिलर होना चाहिए जिसको आप फोन करें या आप उनसे बात करें और वो आपको बताएं, वो अपने लेंस से आपको एक्सप्लेन करें कि यार इससे आगे जहां और भी हैं, उठो और लड़ो. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था. मैं पूछना चाहता था कि देखिए सब लॉकडाउन में है तो बड़ा डिप्रेशन है. अभी वो रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत ने, एक जो इंडियन एक्टर है, उसने खुदकुशी की. उसके पास ओवर 1 मिलियन फॉलोअर, 10 मिलियन फॉलोअर आई थिंक थे इंस्टाग्राम पे. तो ये मैंने भी देखा है कि जी अमेरिका में जिन जिन पोस्ट कोड्स, सम ऑफ द रिचेस्ट पोस्ट कोड्स इन द वर्ल्ड जो हैं, लोग जिनको हम समझते हैं उनके पास सब कुछ है, वो अंदर से बड़े डिप्रेस होते हैं. हाईएस्ट सुसाइड रेट अमेरिका में उन्हीं पोस्ट कोड्स का है जो सबसे वेल ऑफ है, सबसे वेल्दी है. तो ये डिप्रेशन जो है ये किस तरह आ जाता है और इसको किस तरह ओवरकम किया जाता है? देखें, जो डिप्रेशन का शिकार लोग हैं ना, वो आम लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होते. अच्छा. जो जहीन और हसास अफराद होते हैं ना जी, वो उसका शिकार होते हैं. आपने देखा होगा कि लोगों की अक्सरियत जो है ना, जो डिप्रेशन का शिकार होती है, बड़े समझदार, बड़े कामयाब, बड़े हसास, बहुत जहीन लोग होते हैं जी. बुनियादी तौर पे वो मुआशरे के मैं आपकी बात लोग होती. अच्छा, आप कह रहे हैं जी डिप्रेशन कामयाब लोगों को होता है. मुझे तो लगता है नाकाम लोगों को होता है, जो कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, कोई ना रिजल्ट आ रहा है ना कुछ हो रहा है. देखें, अभी आपने मिसालें दी जिनकी, वो तो नाकाम लोग नहीं थे. बिल्कुल, वो तो माली फाइनेंशियली दे वर वेरी साउंड. बिल्कुल, उनकी जो है फेम की बुलंदियों पे थे. फॉलोइंग का आप बता रहे हैं कि जी 1 करोड़ से ज्यादा अफराद उनके थे. बिल्कुल, उनके मुतलक तो नहीं आप कह सकते. लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि बुनियादी तौर पे जिन लोगों को ये फीलिंग यही होती है. देखिए, डिप्रेशन एक नफसियाती बीमारी है जिसका आगाज उदासी से होता है और इस फीलिंग से होता है. डिप्रेशन सैडनेस से होती है, सैडनेस. और उसकी बुनियाद जो है ना, जब एक फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर में मुसलसल एक मायूसी की कैफियत हो जाती है, आदमी स्टेटस को की पोजीशन महसूस करता है कि जमूद का शिकार हो गया हूं मैं, कहीं बढ़ नहीं रहा. उसका हकीकत अच्छा, से कोई तल्लक नहीं होता, लेकिन ये तल्लक है उसकी फीलिंग का, उसके थॉट्स का, उसके बिहेवियर का. और उसका फिर काम करने को दिल नहीं चाहता, हर वक्त थकावट महसूस करता है,
नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, यानी ये भी है कि बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देता है या बिल्कुल। तो आपको लगता है सैडनेस से डिप्रेशन निकलता है, तो इंसान ये तो जो इतने इतने अमीर लोग हैं, जो इतने सेलिब्रिटी होते हैं, वो किस तरह उदास होते हैं? उनके पास तो मटीरियलिस्टिक तो हर चीज होती है, फेम, पावर, मनी, एवरीथिंग। इसमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ फरमाया करते थे अमनो अमान की और तवाज़ुन इत्तेदाल की अल्लाह ताला से। अच्छा, जिंदगी जो है वो एक इत्तेदाल का नाम है, तवाज़ुन का नाम है। मैं उसकी मिसाल इस तरह आपको दूंगा कि जिस तरह एक गाड़ी जो है उसके चार पहिए हैं, किसी एक में हवा कम हो जाए तो गाड़ी बबलिंग करनी शुरू कर देती है, मामूली सी हवा का फर्क हो जाए ना, एक तीन टायरों में 30 है और एक में 20 हो जाए तो वो बबलिंग शुरू कर देती है। इंसानी जिंदगी जो है, इंसान की जो शख्सियत है, इसके बुनियादी तौर पे चार जरूरतें हैं, चार पहलू हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। ये चारों पहलू जो है आम तौर पे इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब जो इज्तमाई लाइफ है वो जैसे इनफरादी लाइफ के चार पहलू हैं, इज्तमाई लाइफ का एक सोशल पहलू है, एक इकोनॉमिक पहलू है। हमारे यहाँ कामयाबी का तसव्वुर ये समझा जाता है कि जो बंदा मुआशी तौर पे कामयाब है, जो अमीर है वो कामयाब है, कामयाब जिसके पास पैसा है वो कामयाब है, हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म बन के आई, जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। और जितने लोगों ने खुदकशियां की हैं वो इस चीज की, उनकी खुदकशियां इस चीज का सबूत है कि ये एक मिथ है। आम तौर पे आप देखिए कि गरीब लोगों में खुदकशी का रुझान बहुत कम है, ना होने के बराबर। वो करते भी हैं तो भूख की वजह से करते हैं, मतलब बात यह है कि उनका जो मसला है वो डिप्रेशन नहीं होता, उनका मसला रिएक्शन होता है किसी चीज पे, रिएक्शन करके। डिप्रेशन एक ऐसी कैफियत है जो एक मुसलसल 24 घंटे आप पे तारी रहती है, कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, किसी चीज में मजा नहीं आता, जिनमें आप पहले ज्यादा बहुत इंजॉय करते थे उसमें मजा आना खत्म हो जाता है, हर वक्त एहसास गुनाह की कैफियत, जमूद की कैफियत, आपको लगता है कि मैं एक जगह रुक गया हूं, यकसुई खत्म हो जाती है, फोकस खत्म हो जाता है, जो मतलब ये है कि, और ये कैफियत आ जाती है कि आदमी समझता कि मेरी जिंदगी तो बेसुध है, मुझे तो ठीक है। मुझे बात बताएं, क्या मुसलमानों को डिप्रेशन हो सकता है? बात ये है कि मुसलमान जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, अगर अच्छा। तो मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है तो उसे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, और अगर वो सिर्फ कलमा गो है लेकिन वो ना कुरानी तालीमत के नजदीक जाता है ना सुन्नत के नजदीक जाता है, और वो सिर्फ एक, चूंकि वो मुसलमानों के घर पैदा हुआ है लेकिन वो अमली तौर पे किसी इस्लामी तालीमत पे अमल नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, पहला तकाजा किया है मुसलमान होने का कि 5 वक्त नमाज पढ़ी जाए, अच्छा, और उसके पास वक्त नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। तो जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, मतलब एक तो वो जब केमिकल जो इम्बैलेंसेस होते हैं, तो वो मुझे, मतलब मुझे बताइए ना आपके, अगर हम इस्लामिक फॉर इंस्टेंस एंगल से देखें तो बड़े बड़े ऐसे लोग भी हैं जो नमाज पढ़ते हैं और बड़े अच्छे मुसलमान होते हैं, लेकिन उनको भी, आपको नहीं लगता कि डिप्रेशन होता है कि ये क्या हो रहा है? उन पे सैडनेस नहीं हावी हो सकती? देखें, सैडनेस तो किसी भी, वो डिप्रेशन नहीं है, सैडनेस की जो कैफियत है वो जी। किसी भी इंसान पे आ सकती, हर एक पे। दिन में 60,000 तक ख्यालात इंसान के जहन में आते हैं और जिस तरह के ख्यालात चल रहे होते हैं उसी तरह की उसकी फीलिंग हो रही है, लेकिन वक्त ही होती है, अभी खुश, अभी जो है गम की कैफियत, अभी थोड़ा सा उसने अच्छा मंजर देखा वो खुश हो गया। लेकिन डिप्रेशन के मरीज की ये बात नहीं होती, वो उसकी कैफियत मुसलसल हो जाती है, और यानी डिप्रेशन का मरीज डॉक्टर तो उसे कहते हैं जो कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हों उसे।
अच्छा डिप्रेशन का वो मरीज है जिसको दो ठीक कम से कम दो हफ्ते से ज्यादा उसकी कैफियत रहे तो फिर उसे डिप्रेशन का मरीज समझा जाता है। देखिए बात यह है कि कुरान पाक की ना सूरत है अल नजम, उसकी आयत नंबर है 39, 40, 41। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अच्छा। और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी फिर उसको उसका पूरा बदला दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, दुनिया में जो कुछ मिलता है वो कोशिश के नतीजे में मिलता है। ये रब्बे कायनात ने इस दुनिया का एक बुनियादी सबब पैदा कर दिया है। ठीक है, अंबिया कराम को भी कोशिश करनी पड़ी। मैं बिल्कुल कोशिश, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल जाएगा, तो उसमें कितनी कोशिश करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए वो मतलब उस पर भी थोड़ा सी रोशनी डालिएगा कि ठीक है जी, आपको कोशिश से सिला मिलता है। जी 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 देखिए, एक किसान जो है, रब्बे कायनात का एक असूल ये है कि जो आपके जिम्मे है वो आपने करना है, उसके अच्छा। बाद उसका नतीजा जो है ना वो रब्बे कायनात ने देना है। अगर एक किसान जो है वो खेत में हल नहीं चलाता, वो खेत में बीज नहीं डालता, पानी नहीं देता, फसलों की देखभाल नहीं करता, और फिर ये कहे कि जी मेरा तो नसीब ही ऐसा था, तो ये तो सिवाय हम कुछ नहीं है। नसीब ये है कि जो आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको आप इस्तेमाल करें, आप जिस भी शोबे में हैं। अगर आप किसान हैं तो आपका फर्ज है कि आप जमीन में हल चलाएं, उसकी सफाई सुथराई करें, उसमें बीज बोएं, उसमें उसकी निगहदाश्त करें, पानी डालें, उसकी देखभाल करें, उसके बाद फिर नसीब शुरू होता है। ये नहीं हो सकता कि आप बासियत किसान घर में बैठे रहें और ये तवक्को करें कि अल्लाह ताला फरिश्ते भेजेगा वो उसमें हल चलाएंगे वो उसमें। ये तो अंबिया के साथ भी नहीं हुआ। अंबिया को भी जब दुनिया में भेजा गया तो उन्होंने, अब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल की जिदोजहद के बाद जो है ना एक अजीमुशान कामयाबी मिली। 13 साल की तबलीग के नतीजे में 100 के करीब मुसलमान हुए थे और बाद में 10 साल में वो जो 100 बंदा है वो लाख में तब्दील हो गई, 1 लाख से ज्यादा में तब्दील हो गई, कोई मल्टीपल। लेकिन एफर्ट है। जंगे बदर में 313 थे लेकिन वो उनका जो काम था वो उन्होंने किया, वो मैदान अमल में आए, वहां पे जो उनके बस में किया जो उनके पास था, बाकी खुदा की मदद थी। तो कोशिश मतलब ये कहना गलत है कि जी जो हमारे नसीब में होगा मिल जाएगा हम बैठे हैं, ये ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है। नसीब ही ये है कि कोशिश करोगे तो। मैंने अभी आपको कुरान पाक की आयत में दोबारा दोहराता हूं, सूरह अल नजम आयत नंबर 39, 40, 41, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी और फिर उसको पूरा बदला दिया जाएगा। ये है नसीब। रब्बे कायना ने एक प्रिंसिपल बना दिया कि भाई जो तुम्हें मैंने सलाहियत दी है उसके मुताबिक तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारी कोशिश देखूंगा और फिर उसके मुताबिक तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। ठीक है ना जी। तो ये एक मैं समझता हूं कि अजल से ना जो नाफरमान इंसान है ना उनका यही वतीरा रहा। कुफार की सबसे बड़ी दलील यही होती थी कि जी रब अगर चाहता है मुसलमान करना तो हमें वो खुद कर ले, आपको क्यों, आप क्यों हमें कह रहे हैं। और रब जो है वो चाहता है, अगर वो हमें तो उसने बहुत माल दिया हुआ, आपको माल नहीं दिया, ये आप कहते हैं जी गरीबों की मदद करो, हम क्यों करें, रब नहीं चाहता इनको देना तो हम क्यों दें। मेरी बात में है ना, इस पे आ जाती है बात कंपैरिजन की। मेरे हिसाब से कि ये जो डिप्रेशन आजकल एंजाइटी होती है ये कंपैरिजन करने से भी होती है कि यार देखें वो इनके पास क्या है हमारे पास नहीं है, तो जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को तो वो भी एक मेरे उस पे हम अपने आप को
किस तरह समझाएं कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए? देखें, उसमें उसमें हमारा जो बासियत मुसलमान, हमें जो हदायत दी गई है कि हसद हमारे नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। हसद अच्छा। ये है कि किसी को देख के तकलीफ महसूस करना, यार इसके पास है मेरे पास नहीं, और ये बड़ी नेचुरल फीलिंग है। मतलब ये अल्लाह ने नहीं हमारे अंदर डाली? नहीं, देखिए अल्लाह ने कोई बुरी चीज नहीं डाली। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और उसको ये तमीज दी है कि वो अच्छा और बुरा महसूस कर सके। उसका प्रिंसिपल ये है कि देखिए, बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि जो चीज आपको अपने बारे में अच्छी महसूस होती है वो दूसरे के बारे में भी अच्छी महसूस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कामयाब हैं और कोई बंदा आपसे हसद करे तो आपको कैसा लगे? बिल्कुल बुरा लगे। अच्छा, अब दूसरा जज्बा है रश का, इसको जरा आसान उर्दू में बताइएगा। इसको जज्बा, इसको रश का देखिए फर्क, हसद ये है कि दूसरे को देखकर ये जज्बा पैदा होना कि यार ये इस काबल तो नहीं है, इसे मिल गया, मैं तो इससे ज्यादा काबल हूं, मुझे नहीं मिला। और मैं आजकल इमरान खान के बारे में लोग यही कहते हैं ना कि ये देखें इसको कुछ नहीं था और इसको मिल गई, तो ये है हसद, अगर एग्जांपल साथ देनी जाए। अच्छा, मैं समझता हूं कि वो हसद तो हर बंदे की होती है। अच्छा, हसद में और रश्क में फर्क ये है कि रश्क एक पॉजिटिव जज्बा है। अच्छा, बंदा दुआ करता है या अल्लाह तूने इसे कामयाबी दी, मुझे भी रास्ता दिखा, मुझे भी कामयाबी दी। और जो हसद है उसका ये होता है कि मेरा भावे कख ना रहे ऐ जरूर जलील हो जाए। इसका बड़ा एक मशहूर लतीफा है कि एक शख्स को अलादीन का एक चिराग मिल गया, तो वो उसने जब उसे रगड़ा तो जिन हाजिर हो गया और उसने उसे कहा कि भाई देखो ये एक्सपायर होने वाला है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 3 सवाल आप मुझसे कर सकते हैं, बस यही है, उसके बाद ये खत्म। लेकिन ये बात समझ लो कि जो तुम मांगोगे तुम्हारे हमसाये को उससे डबल मिलेगा। अच्छा, उसने कहा मेरे लिए एक बेहतरीन बंगला जो है ना 10 कनाल का बनाओ, वो उसने जनाब ऐसे इशारा किया और वो बंगला बन गया। और जब लेफ्ट हैंड देखा तो हमसाये का 20 कनाल का बन गया, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था जो तुम्हें मिलेगा वो। उसने कहा कि यार मुझे बेहतरीन किस्म की एक गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। वो उसने देखा, उसी वक्त वो हाजिर हो गई और हमसाये की दो आ गई। उसने कहा बोलो जल्दी से तीसरी। उसने कहा मेरी एक आंख निकाल लो। अच्छा, तो इंसान जो है ना वो इस हद तक हसद है कि वो कहते यार मेरी एक आंख निकाल लो ताकि हमसाये की दोनों निकल जाए। तो इस पे देखे ना, अब हर बंदा अपनी तरफ से मेहनत करता है और कभी कभार उसे महसूस होता है कि यार मेरी मेहनत का सिला अभी नहीं मिल रहा, लेकिन लोग जो कम मेहनत कर रहे हैं वो उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये एक बड़ी नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, मतलब इधर हम ये नहीं फेक नहीं होंगे कि जी नहीं होता, अक्सर होता है। उसको किस तरह अपने माइंडसेट को उसमें किस तरह लोगों को चेंज करना चाहिए? देखिए ये बुनियादी तौर पे ये जो टॉपिक है ये काफी तफसीली टॉपिक है। मैं एक बुनियादी बात अर्ज कर दूं कि जो बंदा अपना स्वार्ट एनालिसिस करता है कि मेरी स्वार्ट एनालिसिस क्या है, कि एक इंटरनल है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है जी, और बैरूनी एक्सटर्नल थ्रेट क्या है कि सोसाइटी में जहां मैं काम कर रहा हूं, जिस फॉर एग्जांपल मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो वहां मेरे कंपटीटर कौन है, उनकी उनसे मुझे क्या थ्रेट है, और जो है वहां से मुझे एक दुनिया में, मैं अब छोटी सी मिसाल देता हूं कि किसी फील्ड में आप चले जाएं, दुनिया के जितने कामयाब इंसान हैं अगर उनको आप सिर्फ उनका गहराई से मुतालिया करें
तो आप देखेंगे कि रब्बे कायनात का ये असूल उस हर जगह नजर आएगा कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और उसकी कोशिश देखी जाती है और उसके मुताबिक उसे पूरा पूरा बदला दिया जाता है। अब इसमें पहला जो बुनियाद है ना कामयाबी की, वो है कि आपकी डायरेक्शन सही हो। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसने इस्लामाबाद जाना है और उसका जीपीएस खराब हो गया और उसने रुख कर लिया कराची की तरफ। अब उसने 10 घंटे का सफर कर लिया, इस्लामाबाद फिर नहीं आया, पता किया है तो पता चला जी कि इस्लामाबाद पहले तो 5 घंटे का था, 15 घंटे का रास्ता हो गया जहां जाके उसने मालूम। ये क्या थी कि उसकी डायरेक्शन सही नहीं थी, मेहनत तो उसने डबल कर दी तो सर 5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच। मैं समझ तो डायरेक्शन आप बताएंगे, अब ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम डायरेक्शन किस तरह चूज करें? आजकल डायरेक्शन से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, हर के 5 मिनट के बाद मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, व्हाट्सएप आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, स्नैपचैट आ जाता है, ट्विटर आ जाता है। तो डायरेक्शन के लिए मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन भी कम करनी चाहिए। वो किस तरह, वो बंदा फोकस से किस तरह काम करे? देखें, अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी शख्सियत की तमीर पे तवज्जो दे देंगे और उसमें प्रायोरिटीज मुकर्रर कर लेंगे तो ये इतना आसान है, जिंदगी बहुत आसान है अगर उसको जिंदगी को जिंदगी के तरीके से जिया जाए। रब्बे कायनात कहते हैं कि मैंने रात तुम्हारे आराम के लिए बनाई, दिन मैंने तुम्हारे काम के लिए बनाए। अच्छा, अब ये खालिक कायनात ने हमें बता दिया कि पहला असूल तो ये है कि रात को नींद लो, आराम करो। अब जदीद साइंस साइंटिफिक सारे फैक्ट्स मौजूद हैं कि रात की नींद के क्या क्या फायदे हैं, किस तरह कितने जिस्म की मेंटेनेंस है जो दिन में होती नहीं है। जो बंदे दिन में नींद लेते हैं उनको वो कभी भी उनके जिस्म की वो मेंटेनेंस नहीं हो सकती जो रात को। मैं सादा सी बात कहता हूं कि अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी दें अपनी फिजिकल फिटनेस को। अच्छा जी। और उसकी जो उसका जो आगाज है वो आपने नींद से करना है कि आपने कम से कम 7-8 घंटे नींद लेनी है और वो रात के वक्त लेनी है। कोशिश ये करें कि रात को जितनी जल्दी सो सकें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो उस्वा था कि वो इशा के बाद सो जाते थे। आप जो है थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करें। ये देखें, ये मैटर ऑफ हैबिट्स है। जिस तरह मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं आपको बताऊं आजकल की यूथ ये रात को जल्दी सोने वालों में से नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी टॉपिक ये इंटरेस्ट का नहीं है, ना ये पिकअप होना है। ये रात तो सारी स्नैपचैट वगैरह पे गुजरती है, इंस्टाग्राम पे। लेकिन आपका पॉइंट ठीक है, हम आपके पास टाइम कम है इसलिए कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, मैं चाहता हूं कि वो उस पे भी हम थोड़ी सी रोशनी डाल दें। वो कहते हैं कि जी, लोग एक सवाल आया कि जी हम शाइनेस अपनी किस तरह दूर करें। अब हम अक्सर शाइनेस मतलब है कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लोगों के बीच में बोला नहीं जाता, और ये शाइनेस का कोई इलाज है कि हम कॉन्फिडेंस अपना किस तरह? इसका बड़ा सा सादा इलाज आपका अपना शीशा है। अच्छा, आईना, मिरर। आप जिस वक्त बाथरूम में शेव कर रहे हैं आप वहां पे बातें करें, जब आप आईने के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो वो उसी तरह है जिस तरीके से आप एक पब्लिक मीटिंग में कर रहे हैं। यहाँ पे सॉरी मैं ऐड कर दूं कि मोमिन की जो डिबेटिंग स्किल्स थी वो मोमिन इनके अंदर ट्रेन हुआ हुआ है। इन्होंने मोमिन की भी बचपन में इसी तरह ट्रेनिंग कराई थी, उसको बताया था कि वो आईने के आगे खड़े होके बोले। सॉरी, प्लीज आप कैरी ऑन करिएगा। तो ये आपकी जो है ना प्रैक्टिस जो है ना आईने के सामने, ये चंद ही दिनों में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर देगी कि फिर आप निजी महफल में या इवन पब्लिक मीटिंग में बात करते हुए आपको कोई घबराहट नहीं होगी। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये कोई गैर मामूली चीज नहीं है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े स्पीकर्स को ये प्रॉब्लम रही है। इवन इब्राहिम लिंकन जैसा शख्स जो अपने वक्त का बहुत बड़ा डिबेटर था, जब वो जिंदगी की आखिरी तकरीर भी कर रहा था तो पहले चंद लम्हे उसे घबराहट होती थी।
बिल्कुल मुझे अभी तक होती है, बिल्कुल ये बड़ा नेचुरल है, कोई गैर फितरी चीज नहीं है। बिल्कुल गैर फितरी चीज नहीं है, सिर्फ है कि आप खौफ का इलाज ये है कि जिस चीज से खौफ है उसे कर गुजरे। खौफ का इलाज बता दें, जिंदगी में खौफ किस तरह निकालना है? खौफ का इलाज जिस चीज से खौफ है ना आपको, वो कर गुजरे। तो खौफ एक लम्हे की बात होती है, जिस मेरा मतलब जो जिस चीज से भी खौफ है ना, आपको बात करने से खौफ होता है, आप बात करें। आपको लोगों की तनकीद का खौफ है, आप बात करें, उस तनकीद को सहें। चंद ही दिनों बाद देखिए, जब बंदा पहली दफा साइकिल चलाता है तो कितना खौफ होता है, बाइक चलाने का कितना खौफ होता है, इवन गाड़ी चलाने का कितना खौफ होता है, लेकिन वो खौफ कैसे आप दूर करते हैं? आप कर गुजरते हैं, चला के। आप तैराकी के लिए जब पानी में पहली दफा छलांग लगाते हैं तो खौफ आता है, लेकिन बाद में आप उसे एंजॉय करते हैं। तो खौफ नाम की कोई चीज नहीं, खौफ बेसिकली जो है ना इनएक्शन का नाम है। ठीक है ठीक है। यहाँ पे जी जारा पूछ रही है कि अंकल प्लीज बताएं कि ओवर थिंकिंग बंदे की किस तरह, अपनी ओवर थिंकिंग किस तरह दिमाग की कम कर सकता है। और ये फातिमा पूछ रही है एंजाइटी का भी प्लीज कुछ बताएं, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी किस तरह बंदा अपने दिमाग से को कंट्रोल करे। वो देखें असल चीज है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। जब आपके सामने कोई मकसद नहीं है ना, ये सारी जो है ना फुर्सत की बातें हैं। अच्छा। ओवर थिंकिंग वगैरह हमारे मिसल मौजूद है कि बेकार आदमी जो होता है, वेला बंदा, उसकी जो उसका दिमाग जो है वो शैतान की अमाजगा होता है। हर इंसान एक अनपढ़ आदमी के जेहन में भी डेली 60,000 ख्याल आते हैं। अच्छा। और जिस वक्त जिस किस्म के ख्याल आ रहे होते हैं उसी तरह की आपके अंदर फीलिंग पैदा हो रही है। आप जो है जिस वक्त आपको मतलब ओवर थिंकिंग का सादा सी बात है, कागज पेंसिल लें, जो आपको ख्याल आ रहा लिखना शुरू कर दें, ठीक है, देखें उसी वक्त वो खत्म हो जाएगी। एक तो बड़ा सादा सा है। दूसरा ये है कि आप जर्नलिंग की आदत डालें डेली ना, आप शाम को जिस तरह आपने पूरा दिन गुजारा है ना उसको लिखें, चाहे डायरी की सूरत में या अपनी कैफियत लिखें कि आज मैंने कैसा फील किया, कोई अच्छा काम किया उसे नोट करें कि आज मैंने फलां अच्छा काम किया और मेरी ये फीलिंग, कोई गलत काम किया है वो नोट करें, एक अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर पैदा करें। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मैंने अर्ज किया कि चूंकि जवानी में इंसान के अंदर एनर्जी लेवल बहुत होता है, उस एनर्जी को राह चाहिए होती है, और जब वो नहीं करती। अच्छा, थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग या आप माजी में जा रहे होते हैं या मुस्तकबिल में जा रहे होते हैं। जो चीज है वो इलामा साहब कहते हैं, किसी ने दोष देखा है ना फर्दा, फकत इमरोज है तेरा जमाना। भाई दुनिया में हकीकत एक है, हकीकत है आज, ना गुजरा हुआ कल कोई हकीकत है ना आने वाला कल कोई हकीकत है। जिसमें जिस जो चीज आपको की जिंदगी बदल सकती है वो है आपका एक्शन। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आपने जो कुछ करना है वो करेंगे तो नतीजा निकलेगा। एक स्टूडेंट जो है वो अगर टाइम टेबल के मुताबिक नहीं पढ़ता, वो जितना मर्जी चाहिए फतीन हो, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन दवाई भी उस वक्त तक आपको फायदा नहीं दे सकती जब तक आप उसे इस्तेमाल ना करें। जी। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, मैं तो इस बिलीव बात पे बिलीव करता हूं कि अगर एक आदमी बगैर सोचे समझे भी एक्शन लेता रहे तो वो कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएगा। और एक बंदा दुनिया का वो अरिस्टोटल भी हो और वो एक्शन ना ले तो उसके नसीब में सिवाय नाकामी के कुछ।
बिल्कुल। और ये जर्नलिंग वाली बात आपने बड़ी जबरदस्त की। आपको पता है जितने भी ग्रीक फिलोसोफर्स रहे हैं, मार्कस अरेलियस, एरिस्टोटल, ये सब जर्नल करते थे और अपने दिन का एहतसाब करते थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे के इस दिन में मैंने अचीव क्या किया। आज भी यही कैफियत है, दुनिया का हर बड़ा बंदा जर्नलिंग करता है। तो रोज आपके हिसाब से अपने हर दिन का एहतसाब करना चाहिए कि आज के दिन आपने जो जिंदगी का यूज कर लिया उसमें क्या अचीव किया, आपने कितना टाइम अपना सोशल मीडिया पे जाया किया, क्या नया सीखा या क्या नया नहीं सीखा। एक और सवाल आ रहा है कि पेशेंस किस तरह इंक्रीज किया जाए, अपना पेशेंस कि आपको गुस्सा ना जल्दी आए और आप उसको किस तरह किया जाए पेशेंस। मैं ये सर्च किया कि अगर आपके सामने को मकसद हो ना, बेमकसद ये थी ये सारे नेगेटिव जज्बात पैदा करती। अगर आपकी जिंदगी का मकसद हो, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे किसी की वालदा बीमार है और उसकी तबीयत खराब है और वो दवाई लेने जा रहा है, तो उस वक्त 10 उसके दोस्त भी रोके तो वो नहीं रुकेगा, कहेगा यार आई एम सॉरी मैं जरा जल्दी में। अच्छा, जिसकी सामने को मकसद होता है ना, उसके पास लायानी बातों का, फजूल बातों का वक्त ही नहीं रहता। मकसद आपके अंदर फोकस पैदा करता है, यकसुई पैदा करता है, मकसद आपका एनर्जी लेवल 10 times बढ़ा देता है। आप कभी गौर करते हैं कि जब एग्जाम आते हैं तो उस वक्त क्या वजह है कि आप इतने फोकस हो जाते हैं? समझ आ गई, मकसद किस तरह ढूंढना है लोग ये पूछ रहे हैं, अपना मकसद किस तरह ढूंढे। अब हर किसी को मकसद कोई दराज के अंदर तो पड़ा नहीं होता, जाके खोला और अंदर से मकसद निकाल लिया। तो मकसद भी अपने आप से किस तरह पता चलेगा जिंदगी में क्या करना है, वो किस तरह पता चलेगा? उसके लिए मैं आगाज में बात कही थी कि सबसे पहले आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आपको कौन से काम ऐसे हैं जो आप शौक से करते हैं। आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, ठीक है? जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। कामयाबी का जो नुक्ता आगाज है वो है अपने सलाहियतों का शऊर कि मेरे अंदर ये खूबियां एक खामी है। एक क्रिकेट के मैदान में अगर किसी ने जाना है तो उसे ये एहसास हो जाता है, आप देखिए कि मैं बॉलर बेहतरीन हूं, मैं बैट्समैन बेहतरीन हूं, मैं विकेट कीपर बेहतरीन हूं। और जब वो जाता है तो वो अपनी उस टैलेंट पे फोकस करता है। कभी कोई बॉलर, जो बेहतरीन बॉलर है, जब वो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके जहन में कभी नहीं आता कि मैं यार बॉलिंग को छोड़ूं और बैट्समैन बन जाऊं। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पे आपको काम करना है। जब आप इसका, मैं समझता हूं कि किसी दिन हम रख लेते हैं सिर्फ इस पे, एक हम जो है बात करेंगे कि मकसद को तलाश कैसे करना है। ये थोड़ी सी ठीक है, जो है तफसील का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हम इसको कर लेंगे। मकसद आपके सिवा कोई नहीं तलाश कर सकता। एक और बंदा पूछ रहा है कि जी मुझे प्यार में मैं पागल हो गया हूं, किसी के उसी की यादों में रहता हूं, मैं अपने आप को क्या किस तरह इससे बाहर निकलूं? ये प्यार व्यार कुछ होता है या ये हमारे जहन में ही है? ये एक फितरी जज्बा है। इंसान जो है ये इंसानियत का एक ऐसा जज्बा है जो कि आज हमारी तारीख में आप सस्सी, हीर, रांझा और ये सारी चीजें आप कैसे रोमियो जूलियट कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया के हर कल्चर में आपको मिलेगा ये, ठीक है, कबीर सिंह। और ये कोई नेगेटिव जज्बा नहीं है। अच्छा, ये पॉजिटिव जज्बा है। और जिन लोगों ने इस पॉजिटिव जज्बे को इस्तेमाल किया उन्होंने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कामयाब जो है प्रोजेक्ट किए और दुनिया में बड़ी अजीमशान कामयाबियां इश्क में नाकाम होने के बावजूद हासिल की। ये तो आप कह रहे हैं कि इश्क एक अच्छी चीज है, ये पॉजिटिव है? ये नेगेटिव चीज नहीं है, ये पॉजिटिव चीज है। और इश्क में नाकाम होने के बाद आपको लगता है कि बड़े बड़े काम हो सकते हैं? कामयाबी और नाकामी दोनों सूरत में। दुनिया में कहा यह जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। बिल्कुल ठीक है ना जी। अब वो क्या है? और औरत जो है एक जज्बे का नाम है, लव का, प्यार का, एहसास का। और वो औरत
जिस तरह एक औरत मोटिवेट कर सकती है मर्द को, शायद दुनिया में उससे ज्यादा मोटिवेशन पावर किसी और चीज में नहीं। तो ये बिल्कुल उर्तुगल में भी इसी तरह हुआ ना, उर्तुगल में भी तो हलीमा थी जिसकी वजह से उसको कितनी मोटिवेशन मिली, ये लोग नीचे लिख रहे हैं। तो ये तो जिंदगी आप हर जगह देख लें कि ये जो हमारे फैमिली यूनिट हैं ये इसी तरह बनते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जो है एक लिमिट्स हैं, हमारी अपनी इकदार हैं, अपनी रवायत हैं, और उसमें जो है अभी आपने मिसाल दी अर्तुगरल की, तो आप देखें कि वहां किसी जगह वो उन्होंने कहीं भी हदूदे इलाही को नहीं तोड़ा, इखलाकी तौर पे किसी किस्म की कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं की। उन्होंने एक उनका प्यार डेवलप हुआ, एहसास एक दूसरे को मुंतकिल हुए, और उसके बाद उन्होंने मुआशरे के खिलाफ जंग नहीं की, मुआशरे को जो है उनके सामने झुकना पड़ा। ये जो बड़ा आपने एंगल दिया है कि उनके प्यार के आगे मुआशरे को झुकना पड़ा, और हमेशा ऐसा होता है। देखिए हर घर में ये होता है कि अगर बेटा अड़ जाता है ना मां बाप से, तो मां बाप अपनी जो 20 साल पहले की कमिटमेंट की हुई है उसे भी तोड़ देते हैं, बशर्ते कि उन्हें ये पता हो कि ये जो है इसका जो जज्बा है वो सादक है। दुनिया में जो ताकतवर तरीन जज्बे हैं ना जी, उनमें एक जज्बा मोहब्बत है, और ये अच्छा एक ऐसा रास्ता है जो आपको ना सिर्फ दुनियावी कामयाबी की तरफ लेके जाता है बल्कि ये आपको अल्लाह के भी नजदीक कर देता है। वो किस तरह जी? ये ऐसा खूबसूरत जज्बा, देखिए जितने अगर आप बुनियादी तौर पे देखें ना, तो ये जिन्होंने मतलब हीर रांझा लिखी, सस्सी कुन्नू लिखी, ये सारे दरवेश लोग थे, ये इसके अच्छा। जरिए वो अल्लाह तक पहुंचे। हीर रांझा के थ्रू अल्लाह के वारिशाह जो है ये बहुत बड़े वली अल्लाह थे, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू जी। देखिए मोहब्बत का जो जज्बा है ना, मैंने जैसे अर्ज किया है कि वो उसका जो एक रब की तरफ जाने का जो रास्ता है वो इश्क का रास्ता है, ठीक है। अभी आजकल ना एक बड़ा खूबसूरत ड्रामा तुर्की का चल रहा है, यूसुफ एमरे, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें भी एक पूरा इर्तका है किस तरीके से एक शख्स जो मादी तौर पे इंतहाई कामयाब है वो रूहानियत का सफर कैसे तय करता है। इसको जरा आप आराम से सिंपल इंग्लिश में बताइएगा जरा फिर से, ये थोड़े से मोटे हो गए लफ्ज। ये जो जो एक इश्क एक ऐसी कैफियत का नाम है, दुनिया के तमाम बड़े इंसानों की जिंदगी एक मजनूआना जिंदगी होती है, दुनिया के ऊपर एक कैफियत है। तमाम बड़े इंसान जो हैं, जी जी, हर बड़ा इंसान जो है उसकी जिंदगी एक मजनूआना जिंदगी, उसको अपनी उसे अपने मकसद से इश्क होता है, ठीक है। अब ये फर्क है, उसे अपने मकसद से इश्क होता है, उसने अपने ऊपर एक कैफियत तारी की होती है, और वो हर लम्हा उसकी नस नस में, उसके ख्यालों में, उसकी फीलिंग्स में, हर जगह आपको एक ही चीज नजर आती है, वो उसका मकसद। ये इश्क जो तो है, अगर लड़की अगर एक औरत को मकसद, वो कोई पूछे अगर एक औरत को मकसद बनाया जाए तो क्या वो भी ठीक है या वो भी गलत है? देखें औरत को भी आप मकसद बनाएंगे तो वो मकसद आपको बड़े मकसद की तरफ बिलाखिर ले जाएगा, ये एक ऐसा जज्बा। किस तरह? ये मैंने अर्ज किया कि ये पॉजिटिव जज्बा है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर उस औरत को हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं तो उसकी मोहब्बत की खातर आप जिंदगी के दीगर शोबों में भी कामयाब होना चाहिए, उसकी मोहब्बत आपको मजबूर कर दे। उस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली आपकी औलाद की मोहब्बत आपको मजबूर कर दे कि आप जिंदगी के दीगर मकासद में कामयाबियां हासिल करें, ठीक है। तो ये एक परमानेंट कैफियत है, और मैंने अर्ज किया ना कि ये चूंकि हम ऐसे सरसरी दो दो चार चार, ये हर एक टॉपिक जो है ये एक मुकम्मल यकसुई से
वक्त मांगता है कि हम एक टॉपिक जिस पे बात करें उसमें कम से कम जो है हम आधा घंटा कम से कम उसमें बात कर सकते। लेकिन मुझे लगता है इसको हम अगर रैप अप करेंगे, मुझे पता है आपने जाना है, लेकिन आपने जो अभी हाईलाइट कर दी है ना बात, वो ये है कि जी मोहब्बत आप कहते हैं एक बड़ी अच्छी चीज है, और या मोहब्बत कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों तरफ में इंसान की प्रोग्रेशन हो सकती है। मैंने जो जिंदगी में इश्क में नाकाम हुए अक्सर उन्होंने इंसानियत के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट किया। अक्सर वो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, दुनिया की हर फील्ड में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि वो इश्क में नाकाम होने के बाद इतना फोकस हुए कि उन्होंने उसमें एक जो है नाकाबले यकीन कारनामे सर अंजाम दिए। हम इस पे एक सेशन करेंगे, इस पे आपने कुछ एग्जांपल्स निकालनी उन लोगों की जो इश्क में नाकाम हुए और उन्होंने बड़े काम किए, क्योंकि इधर तो हमें ऐसी एग्जांपल्स देखने को नहीं मिलती। नहीं है, इसमें नहीं है, वो जो यूरोप में भी और यहाँ भी है। देखिए अच्छा। जो सेल्फ हेल्प बुक में ना एक जो एंड्रो कार्नेगी के शागिर्द थे नेपोलियन हिल जी, तो नेपोलियन हिल ने ना द वो जो है अपना थिंक एंड ग्रो रिच, जी जी थिंक एंड ग्रो रिच में ना पूरा एक टॉपिक बनाया है जो उसने दुनिया के कामयाब इंसानों का जिक्र किया है ना, उसमें ये तो मोहब्बत के साथ जज्बाए जिंस को भी उसने शामिल किया। इसको जरा सॉफ्ट इंग्लिश में बताइएगा, अगेन हैवी होगी। यानी सेक्स को भी उसने सेक्स को भी एक बहुत बड़ा फैक्टर करार दिया कामयाबी। अच्छा, ये थिंक एंड ग्रो रिच किसी वक्त हम उसी को बुनियाद बना के ना, क्योंकि उस बंदे का कमाल ये है कि उसने अपनी जिंदगी के 25 साल इस रिसर्च पे खर्च किए कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी जो कामयाबी में वो कौन सी मुश्तरका चीजें हैं जो सब में थी। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 वो दुनिया के कामयाब इंसानों को मिला तो उसमें उसने 13 ऐसी लिस्ट बनाई 13 चीजों की जो उन सब में मौजूद थी, और उनमें ये दो जज्बे मौजूद हैं, एक जज्बा इश्क और एक जज्बा जिंस। बिल्कुल ठीक, 13 में से इस पे आप अंदाजा लगा लें। इस पे हम किसी दिन डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। बड़े बड़े लोगों ने कह रहे हैं इसको सेव करें और बड़ा एंजॉय किया है। इट वाज वेरी हेल्पफुल, वेरी इंसाइटफुल, मुझे तो बड़ा मजा आया। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर से ये सेशन करेंगे।